and welcome to this session my name is akshay kumar and i'm working with the igno in school of computer and information sciences i'll be discussing with you about the course called mcs12 that is computer organization and assembly language programming so we will have several uh, there is something okay so there are uh, several issues related to this particular course there are several uh, concepts which have been discussed with this particular course, and I'll be discussing with you in uh, some of these sessions which we'll be having uh, over a period of, let's say, two to three weeks. Now, this is uh, before we go to discussion on this particular course, I would like to share a few guidances with you. And the very first guidance is that please download your program guide from the website. If you are a PGDCA student or you are an MCA student or a BCA student, you, there is a separate program guide on the page of the school, www.ignu.ac.in. There you can go to the school's page, that is School of Computer and Information Sciences page, and download the document called Program Guide. Because the Program Guide is one such document which contains all the details about Whatever you have to do in a particular program. So that is the first piece of advice. The second piece of advice, which I would like to uh, for, uh, do, is many students are complaining that they have not received the material. Well, eGyan Kosh is one such website which has been uh, created for you people, right? That particular site contains all the course material of english सो इफ यू आर एन एम सी एसूडेंट और पीजी डी सी एस स्टूडेंट और बी सी एसूडेंट देट फॉर यू अवेलेबल ओवर एंड यू कैन डाउनलोड पर्टिकुलर कंटेंट तो एक तरीके से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए आपके पास रिसोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए बहुत सारे रिसोर्सिस हैं इग्नू ने बहुत सारे रिसोर्सेज वेब पे अवेलेबल आप ही लोगों के लिए करा रखी और तीसरी एडवाइस जो मैं देना चाहता हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में एक बहुत ही टिपिकल फिनमोना मिलेगा आपको कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये यूज करने पड़ते हैं सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द डोमेन ये नहीं है कि आपने कोर्स पढ़ा और आप इमिडिएटली uh, प्रोडक्टिव हो गए या सिर्फ नॉलेज गेन करने से आपको सब कुछ हो जाएगा कंप्यूटर साइंस एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर आपको बिना प्रैक्टिस किए बिना uh, प्रैक्टिस जैसे फॉर uh, अगर अगर आप करें। अगर आप प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लिखेंगे नहीं तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे और प्रोग्राम ऐसे लिखने पड़ेंगे जो आपने पहले नहीं किए उनको भी लिखता है और इसी तरीके का कोर्स जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम सी एस ट्वेल्व कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इसमें भी आपको कही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे एक बहुत ही सिंपल चीज जो चौथी एडवाइस में आपके लिए कहना चाहता हूं आप अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में आप अपने फ्रेंड्स के लेवल पे बहुत टॉपिक्स का डिस्कशन भी कर सकते हैं तो क्योंकि मैंने ये नॉर्मली पाया है मैं वेन एवर आई टॉक टू माई स्टूडेंट्स और और वेन वी गेट फीडबैक फ्रॉम आर स्टूडेंट्स वॉट वी फाउंड दैट देर आर स्मॉल लिटिल कॉन्सेप्ट वेर स्टूडेंट अर उनकी एरर है उसमें दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली कॉम्प्रीहेंड सम ऑफ द स्मॉल थिंग स्मॉल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि समझ नहीं पाते लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स रह जाती है और वो छोटी मिस्टेक्स बहुत नुकसान करती हैं जब आप उसको अपने आप को प्रेजेंट करने लगते तो इसलिए मेरा आपको यह राय है ये मेरा सुझाव है दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप कृपया प्लीज डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से करें एंड यू विल बी रियली एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर थी नाउ about the computer organization course. now this is computer organization is one of the most fundamental course for the students of computer science this talks to you about the inside it details the inside and because of this you will be able to explain you will be able to uh, even make better programs in the long run जैसे बहुत ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक एक डिफ्रेंसियन क्रिएट करता है आपकी कंप्यूटर साइंस की थिंकिंग के बारे में अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में इसीलिए इस कोर्स की बहुत अहमियत है बहुत इंपॉर्टेंस है इन योर कंप्यूटर साइंस सिचुएशन सो लेट्स लुक आई बी प्रेजेंटिंग दिस स्लाइड शो अलॉन्ग विद मी और ये स्लाइड शो हमने वेब पे भी अपलोड किया हुआ है सो so आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं Uh, ये जो पर्टिकुलर सेशन आज मैं यूज करने जा रहा हूं ये ब्लॉक वन यूनिट वन और ब्लॉक वन यूनिट टू से रिलेट करता है और ये एम सी एस ट्वेल्व को रिलेट करता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं सो so, आप इसके ऊपर फोकस करें और बहुत सारे फिगर्स वगैरह जो उसके आपके यूनिट्स uh, में हैं वो हम यहाँ यूज भी कर रहे हैं और आप उनको अपने ब्लॉक्स में भी रेफर कर सकते हैं लेकिन एक रिक्वेस्ट है इस सेशन के बाद अपने कंटेंट को पढ़े जरूर पढ़े और उसमें चेक योर प्रोग्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व करें आपकी असाइनमेंट भी ऑनलाइन अवेलेबल है असाइनमेंट में से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप इस पर्टिकुलर सेशन के बेसिस पे के पे शायद इस सेशन के बेसिस ना कर पाए लेकिन थोड़ा और पढ़ के आप उसको सॉल्व कर पाए तो इस तरीके से अपनी एक्टिविटी जरूर शुरू करें अदरवाइज यू विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वेल द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉस Actually, organization and architecture are very, very close things. आर्किटेक्चर जैसे हम कहते हैं किसी भी आर्किटेक्चर अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो घर में कैसे कमरे हैं कह, कहा किचन होगा इस तरीके से हम बात करते हैं घरों में और कंप्यूटर में हम क्या बात करेंगे कि कंप्यूटर 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 के कंपोनेंट्स क्या क्या है का इंस्ट्रक्शन सेट में एड्रेसिंग मोड्स कैसे हैं डेटा टाइप्स कैसे हैं तो ये चीजें आर्किटेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं और ये इंप्लीमेंट कैसे हो रही है ये हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्सप्लेन uh, करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हम कवर करते हैं तो ये कोर्स थोड़ा सा और डीप जाएगा अभी हम लोग उस डेप्थ को भी समझेंगे लेकिन सबसे पहली चीज आती है तो उसके लिए आपने स्लाइड डाउनलोड किया है तो है, उसमें दिया हुआ है ये पेज नंबर आठ पे अवेलेबल है ये पर्टिकुलर फिगर आपके ब्लॉक वन में तो बेसिकली अगर हम अपने कंप्यूटर को देखते हैं तो क्या हमें दिखता है एक कहीं ना कहीं कीबोर्ड हमको दिखता है राइट right? एक स्क्रीन स्क्रीन हम लोग देखते हैं और एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू टेल अस दैट दिस कंटेन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड इज प्रमरली एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड वंस अगेन स्क्रीन इज ऑल्सो एन इनपुट आउटपुट डिवाइस लेकिन कंप्यूटर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है

सीपी यू में आप लोगों ने कहे बहुत जगह पढ़ा होगा कि सीपी यू इज अो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर एंड इट इज वेरी वेरी फास्ट इट कैन एग्जीक्यूट थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अटम नॉट इफ इट कैन एग्जीक्यूट थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ यूनिट टाइम कैन वी इनपुट दैट मच दैट मच डेटा इन अ यूनिट टाइम यूजिंग आवर की बोर्ड प्रोबेबली नॉट वील फेल टू डूट राइट तो देर इज अ गैप We can't, can we supply that many instructions to the computer? Probably not. So what we need is a device which is closer to the speed of computer. May not be as fast as computer's CPU is, but closer to the speed of the computer. And that comes with the help of this is what we have is the main memory. Right. So, this is what von Neumann perceived somewhere in 19, eight, uh, 1970s or 1960s, where he perceived this particular architecture that computer should have three basic components. Right. And these three basic components happen to be an input output system, the main memory, and the central processing unit. Now, these three basic components are taken. But right. communication? बिना कम्युनिकेशन के तो बात नहीं बनेगी यहां पे क्यों क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज टू ऑपरेट ऑन डेटा इट हैज टू गेट इट इट फ्रॉम समवेयर राइट राइट एंड व्हाट वी सेड इज द द मेन मेन मेमोरी मेमोरी सो विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग प्रोग्राम्स अब एक और चीज को पे हम ध्यान देते हैं और फिर इस डिस्कशन पे दोबारा आएंगे कि कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है हर कंप्यूटर का बेसिक काम है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सीधी सी बात बहुत ही छोटा काम है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स लेट्स कॉल इट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट तो कहीं ना कहीं इस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा कंप्यू क्योंकि की बोर्ड तो बहुत स्लो है तो कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे उसे राइट right? अब आप अपने हार्ड डिस्क पर भी स्टोर कर सकते हैं कहते हैं हम हार्ड डिस्क पे स्टोर कर लेंगे लेकिन हार्ड डिस्क भी बहुत स्लो है

लेकिन क्या डेटा को भी हम मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं तो फॉन नॉयमेन ने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसमें जिस उन्होंने कहा कि पहले तो तीन बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए कंप्यूटर के द इनपुट आउटपुट सिस्टम द मेन मेमोरी और तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके अलावा कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर उनके बीच में इंटरकनेक्शन होना चाहिए और चौथी बात उन्होंने बोली कि मेन मेमोरी विल बी यूटिलाइज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एज वेल एज डेटा कभी कभी आप इनपुट देते हैं की से बट प्रोग्राम आपकी वेट करता है तब आप एक स्पेशली डिजाइन करते हैं बट मोस्ट ऑफ द डेटा विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम इफ इट इज इन द मेन मेमरी देन ओनली एक्सिक्यूशन ऑफ द होल थिंग इज गोइंग टू प्रोसीड वेरी स्मूथली तो बेसिकली सेम मेन मेमरी क्या फॉर्म ने कहा इट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम concept कि सेम मेन मेमोरी विल बी utilized फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम as 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 well well that is program is is program instructions as well as data okay so this is what we, with, with which we proceed ab aati hai, central processing unit तो अब वेल तो हमारा आ गया मेन मेमोरी मेंोसेसिंग यूनिट उसको फैच भी कर सकता है बट उसको हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उस प्रोग्राम का कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होगा कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत भी है राइट तो अगर हमको ये प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना है तो हमारे को सीपीयू में कुछ ना कुछ यूनिट्स की जरूरत है राइट right? अच्छा अब यहां पे बात आती है कि ओके okay, तो ने बोला देखिए वॉन नॉयमन लिखते हैं हम लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन फॉन नॉयमन ही है राइट right? इसीलिए मैं बार बार फॉन नाइमेन बोल रहा हूं राइट right? सो so, कहीं ना कहीं ऑपरेशनल रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इंटरनल स्टोरेज है किसके सीपीयू के और बहुत फास्ट है जितनी स्पीड प्रोसेसर की होती है बेसिकली वो इंटरनल स्टोरेज रजिस्टर की वजह से ही होती है और इनका साइज नॉर्मली करता है कि किस तरीके की यूनिट हमारी हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे हमारी है वो रजिस्टर के ऊपर ही ऑपरेट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम और उसके अलावा हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होती है जो कि सारा का सारा इफेक्ट मतलब सारा का सारा कंट्रोल जो कि किस यूनिट को किस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है कैसे एग्जीक्यूट करना है इस चीजों को बताती है अब यह बात बहुत ही सरफेशल हो गई इसके ऊपर कुछ बेसिक डिस्कशन भी करना चाहिए तो फॉर्म नॉयमन ने उस यूनिट को जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं विद इन अगर हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझें थोड़ा सा ये देखिए कंट्रास्ट थोड़ा सा पुअर है तो आप अपने ब्लॉक के आ, जो फिगर्स हैं उनको रेफर करेंगे तो बहुत बेहतर होगा ये फिगर थ्री है जिसको हम रेफर कर रहे हैं राइट right? तो फिगर थ्री को हम कहीं ना कहीं रेफर करने की बात करें तो अब बात आती है कि स्टेप बाय तो दोबारा से एक बार रिसाइकिल करते हैं हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है नॉर्मली इन सिक्वेंशल फैशन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं बट नॉर्मली इन टिपिकल सीक्वेंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड अब अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन कहा स्टोर्ड है मेमोरी में डेटा कहां पर स्टोर्ड है वो भी मेमोरी में तो अब सीपीयू का क्या रोल होगा कि इंस्ट्रक्शन को एक एक करके पिक करे कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू की होगी वो क्या करेगी उस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को क्या करेगी इंटरप्रेट समझेगी कि क्या करना है क्या ऑपरेशन करना है एडिशन करना है मल्टीप्लिकेशन करना है क्या ऑपरेशन करना है राइट right? और किस डेटा पे करना है और फिर डेटा को मेमोरी से लाया जाएगा सीपीयू में और तब जाके कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हो सकती तो एक तरीके से ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें चाहिए हमारे सीपीयू में किस टाइप की चीज डेटा लाने के लिए कहीं ना कहीं एक समझ होनी चाहिए और डेटा को

एड्रेस जैसे हमारे घरों के नंबर तो ये भी एक तरीके से मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, राइट? सो कंप्यूटर में ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जो भी इंस्ट्रक्शन हमको फेच करनी है जो भी इंस्ट्रक्शन हमको लानी है अपने कॉन्टेक्स्ट में उस इंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं उस इंस्ट्रक्शन को कौन पॉइंट करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कि अब सीपीओ में यह इंस्ट्रक्शन लानी है या ये डेटा वैल्यू लानी है तो उसका एड्रेस इस एम में स्टोर होगा दूसरी चीज हम लोगों को जो करनी है वो है इसमें डेटा है वो है मेमोरी बफर रजिस्टर अब मेमोरी बफर रजिस्टर या कुछ लोग इसे डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं तो मेमोरी बफर रजिस्टर का रोल क्या है कोई भी वैल्यू अगर आ रही है राइट right? कोई भी वैल्यू सिस्टम में आती है तो वो कहा जाएगी वो मेमोरी बफर रजिस्टर से में आके पहले मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगी और उसके बाद कहीं भी ट्रांसमिट होना है या कहीं भी उसको भेजना है या किसी भी पर्पज के लिए यूज करना है कर सकते हैं है ना इसके अलावा जरूरी नहीं है मेमोरी बफर रजिस्टर में आए अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर उसको डायरेक्टली ला सकते हैं ओके okay, तो एक हुआ मेमरी बफर रजिस्टर तीसरा हुआ प्रोग्राम काउंटर सी यहां पे नंबर है अब प्रोग्राम काउंटर इस तरीके से समझिए कि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है मान लीजिए उसमें हंड्रेड इंस्ट्रक्शन है और हर पे. पे आपकी है. तो कौन सी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू प्रेजेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है इसका पता तो करना पड़ेगा और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन पी ओके उसके बाद इंस्ट्रक्शन अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो किसमें आके स्टोर होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और जितनी भी कंट्रोल सर्किट्री मतलब बेसिकली इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है तो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन सर्किट्री जो होगी वो कहीं ना कहीं इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से रिलेट करेगी ओके और इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं एलयू और एक्युमुलेटर एसी नाउ एक्युमुलेटर बहुत ही जब वॉन uh, नोयमन ने पहली मशीन डिजाइन करी थी तो उन्होंने सबसे पहला जो रोल दिया था उन्होंने कहा था कि एक्ूमलेटर ही एक एक मेजर रजिस्टर की तरह यूज हो लेकिन आज के मशीन्स में वो बदल गया है उसके बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके बारे में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अपनी थिंकिंग में रखना बहुत जरूरी है अभी ये नहीं कि बस फोन नाइमन आर्किटेक्चर है और सिर्फ ऐसा ही है अब तो फोन नाइमन से बहुत आगे भी हम चल पड़ रहे हैं लेकिन ये बेसिक आर्किटेक्चर समझना हमारे लिए जरूरी है तो एसी की जहां हम बात कर रहे हैं एक्यूमलेटर रजिस्टर इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर क्योंकि दिस इज द रजिस्टर वेयर वन ऑफ द ऑपरेंड ऑफ द प्रोसेसिंग इज स्टोर राइट तो ये बेसिक पूरा ऑपरेशन है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का अब मान लीजिए मेरे को कोई इंफॉर्मे कोई uh, मान लीजिए यहां पे जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है इस एग्जाम्पल में अगर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोकेशन टेन का एड्रेस स्टोर किया और इसको मेरे को फेच करना है तो एक फेच मतलब कंट्रोल यूनिट ये इंस्ट्रक्शन इशू करेगी कि फेच दिस डेटा और जब हम डेटा फेच करेंगे तो यहां डॉटेड लाइन से ये शो किया है कि वो मेमोरी बफर रजिस्टर में आके स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ डेटा वैल्यू है तो एक तरीके से ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हैं अपने वर्ड्स में और, और पढ़ भी सकते हैं आपके ब्लॉक में भी ये दिया हुआ है बहुत डिटेल में अब लेकिन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होगा वेल वंस अगेन हम लोग आपको आप ही के ब्लॉग पे ले जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है और कहीं ना कहीं आपको इसके लिए थोड़ी सी जानकारी जो हम लोग इस कोर्स का पार्ट है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग राइट वो भी समझनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको हायर लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आपको आनी चाहिए हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बहुत बार इस टाइप के इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं जैसे सी प्रोग्राम में आप लिखना चाहें सी इज इकल टू ए प्लस बी लेकिन हम जब सी प्रोग्राम को यूज करते हैं या सी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन में क्या होता है कि सी का प्रोग्राम अपने जो बेसिक कोड है इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू ऑब्जेक्ट कोड और द मशीन लैंग्वेज ठीक है और वो मशीन लैंग्वेज यहां पे जो हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं मशीन लेवल लैंग्वेज में इस चीज को समझता है अब लेकिन हमने यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज यूज नहीं करी है हमने थोड़ी सी लोअर लैंग्वेज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यहाँ पे और अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें तो क्या है पहली इंस्ट्रक्शन है लोड ए ना लोड ए इज वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन ये ये डायग्राम भी आपके पेज नंबर इलेवन पे है आपके उसमें और उससे ऊपर ये इंस्ट्रक्शन बताई गई है तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो वो है लोड ए Load A का क्या मतलब हुआ कि जो कंटेंट मेमोरी लोकेशन ए में stored है अब ए देखिए ये ये जो variable name है A, B और C हमने किए हैं लेकिन जब में में होंगे तो ही यहां एग्जाम्पल की तरह हमने दिखाया है कि ए इज लोकेशन थर्टीन बी इज लोकेशन फोर्टीन एंड सी इज एट लोकेशन फिफ्टीन तो अब हमारी जो सी इक्वल टू ए प्लस बी एक मशीन जो प्रोग्राम था प्रोग्राम का एक एक स्टेटमेंट थी वो मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज नहीं है, ये कौन सी है? और ये है यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट ऐसा है यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऑपरेंट है ओके okay, और इंस्ट्रक्शन क्या है लोड ए लोड ए का क्या मतलब हुआ जो मेमोरी लोकेशन ए में कंटेंट है वो आप लोड किसने करेंगे लोड किसने करेंगे ऑब्वियसलीटर वॉज द रजिस्टर जिसमें सारी प्रोसेसिंग होनी है तो रजिस्टर में वो जाएगा ठीक है तो ए को हमने accumulator में लोड किया और उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की एड मेमरी कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन बी अब देखेंगे इसका कैसे इंप्लीकेशन होगा इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसको हम स्टोर करेंगे सी में तो इससे क्या होगा हमारा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन अब ये कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करने जा रहा है इस पूरी चीज को इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी यहां पे इंस्ट्रक्शन है लोड ए अगर आप देखें तो यहां पे प्रोग्राम काउंटर का जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वन है मतलब पहली और वन लोकेशन किसकी है इस लोड ए की तो जब हमने प्रोग्राम काउंटर ए वन स्टोर किया है और जब हमने ये लोड ए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो कब मशीन इस इंस्ट्रक्शन को फेच करेगी अब कैसे वो फेच करेगी उसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा पीसी की वैल्यू पीसी की वैल्यू ट्रांसफर किस में करनी पड़ेगी एम में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्यों क्योंकि फेचिंग के लिए एड्रेस तो उधर डालना पड़ेगा है ना सो पीसी तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ एग्जीक्यूशन के लिए पीसी का कंटेंट ये आपको नहीं करना है ये मशीन कर रही है लेकिन समझना है आपको बस था ना इसलिए घबराना नहीं है इसमें <laughs> तो कंटेंट ऑफ पीसी इज ट्रांसफर टू एम ओके उसके बाद कंट्रोल यूनिट ये कौन इंस्ट्रक्ट करेगा कंट्रोल यूनिट उसके बाद कंट्रोल यूनिट ही इंस्ट्रक्ट करेगी कि एमए का कंटेंट बस पे फ्लोट करिए एड्रेस बस पे वो कंटेंट एड्रेस बस पे जब हो जाएगा फ्लोट तब एमए ये जो है कंट्रोल यूनिट फिर इंस्ट्रक्ट करेगी कि रीड करिए उस लोकेशन से कंटेंट तो रीड करेंगे और यहां पे एम के अंदर हमने क्या किया था वन तो एम ये हमारी कंटेंट क्या था लोडे ये कहां पे अब होगा टेक्निकली ये कंटेंट आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा जो कि यहां पे स्टेप के एग्जीक्यूशन के बाद आप देख रहे हैं राइट right? तो ये क्या हुआ बेसिकली द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन द फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन ये अभी पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ ये सिर्फ क्या हुआ फेच क्या होगा वो स्टोर होगा उसी तरह से फिर दोबारा से ऑपरेंट फैच होगा वो एम में स्टोर होगा और उसके बाद हमारी राइट right? सॉरी ये ये पर्टिकुलर सॉरी पे इंस्ट्रक्शन लोड ए ही है राइट सॉरी सो जैसे ही लोड ए हम लोड ए पे दोबारा से रिपीट करें क्या होगा ए का कंटेंट फेच होगा और वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा सो दिस इज एसेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब हुआ जब हमारी पूरी की पूरी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वेच इज पहला फेच ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन कंटेंट वहां पे स्टोर हो गया ओके नाउ मीन जब आप पीसी की पीसी को ट्रांसफर करते हैं एमएआर में फेच के लिए तो कंट्रोल यूनिट इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है फॉर टू द नेक्स्ट instruction to be executed so this is what you can see that pc now contains two so instruction Agi so pc ki value b it will also get incremented and the value result of total execution of this instruction that you will get content in the uh, you will get loaded a, a a's content will get in the accumulator okay so a difficult time ना, थोड़ा सा आपको आपको बेसिक लगा होगा कि क्या कर कर कैसे हैं, हैं, ना? और ये ये एक्सप्लेनेशन जो जो हम लोग बात बात आपके ब्लॉक्स में में है, तो तो अब आप थोड़े से उसको तो आपको से उसको पढ़ेंगे, बेहतर तरीके समझ में आएगा। अभी लेकिन बात अभी लेकिन खत्म नहीं उसके बाद हमारा और ए और बी को ए किसमें है में, किसमें आया एमबीआर में तो अब क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा ए सी में, कि में ट्रांसफर कर दिया कहानी खत्म हो गई लेकिन यहां पे हमारा एडिशन भी होना है तो एडिशन के लिए किसका रोल आएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज एल यू राइट सो वहां पे जाके हमारा एडिशन होगा एडिशन होते ही द इंस्ट्रक्शन गेट कंप्लीट तो यहां पे ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो हम दिखा रहे हैं आपको इसमें दो ऑपरेंट थे five. पहले विल गेट लोडेड इन किसमें रजिस्टर होगा ए सी में टू किसमें आएगा एम में और दोनों का क्या होगा एडिशन और एडिशन होने से क्या होगा वी विल गेट अ रिजल्ट रिजल्ट व्हाट रिजल्ट वी विल गेट आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगी ये पर्टिकुलर जो हमारा एडिशन एलयू के एसी रजिस्टर में ही आएगा रिजल्ट उस रिजल्ट को स्टोर इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर कर देगी लोकेशन सी में क्यों क्योंकि हमारा कमांड क्या है पे? स्टोर सी। अब ये टिपिकल ऑपरेशन है एक वॉन फॉन नाइमेन आर्किटेक्चर मशीन का थोड़ा सा डिफिकल्ट थोड़ा सा ईजी अब इसके अब यह हो सकता है कि इसकी जरूरत क्या है द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेट आफ्टर लर्निंग दिस पर्टिकुलर कोर्स विल बी सो गुड दैट यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद अदर अदर कोर्सेस विद ईस सी प्रोग्रामिंग में आप बहुत सारे फीचर्स देखेंगे जैसे बिट लेवल प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग में कई बार आपको असेंबली uh, कोर्ट से भी इंटरफेस करना पड़ता है ये सारे के सारे आप कर पाएंगे अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो ये तो एक बात हुई फॉन नाइमेन आर्किटेक्चर की लेकिन फॉन नाइमेन आर्किटेक्चर कोई एक आर्किटेक्चर नहीं है इसके अलावा भी बहुत सारी आर्किटेक्चर्स आज की डेट में अवेलेबल है राइट right. और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं फॉन नाइम आर्किटेक्चर तो कहती है कि मेरी मेमोरी में सब कुछ होना चाहिए लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का राइट right? अभी फॉन नाइम आर्किटेक्चर कहती है ओनली मेन मेमोरी इज इंपॉर्टेंट बट देन वी हैव कैशिंग इन विच एनहैंसेज द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर है ना तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग पढ़ना चाहेंगे सो दैट वी फील कंफर्टेबल अबाउट द मशीन विच वी आर यूजिंग बट इन एडिशन प्रोग्रामिंग में भी कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प मिलनी चाहिए तो उसके लिए हम सबसे अब बात करने जा रहे हैं बाइनरी अरिथमेटिक यूजिंग फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक नाउ इसकी इंपॉर्टेंस में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले दे दू उसके बाद हम बात करते कंप्यूटर में सबसे बड़ी एक इशू कभी कभी आप देखेंगे बहुत आ, हम लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं लेकिन आ, वो होती है और वो कैसे होती है कंप्यूटर में जब हम नंबर्स यूज करते हैं मान लीजिए आप इंटीजर्स यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में और अगर आप लोग फिबना सीरीज या फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स समझते हो फैक्टोरियल्स जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़े नंबर्स छोटे से बहुत बड़ा नंबर अगर हम यूज़ करेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम दस डिजिट का नंबर यूज कर रहे हैं कोई बात नहीं सौ डिजिट का नंबर यूज कर रहे हैं तब भी हम कर सकते हैं मेहनत लगेगी थोड़ा सा गलती हो सकती है बट हम लोग उसको समझ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर की प्रॉब्लम क्या है कि कंप्यूटर में सब कुछ एक डिफाइंड जैसे कि हमने अभी पिछले आर्किटेक्चर में बताया सब कुछ फिक्सड है मेमरी की लेंथ फिक्सड है ओके मेमरी का साइज फिक्सड है सिक्सटीन बिट के साइज हो सकता है ना तो कहीं ना कहीं चीजें कंट्रोल्ड है कहीं ना कहीं एक लिमिट है हर चीज ओके और लिमिट इंटीजर्स में काफी हद तक पाई जाती है फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक इंटीजर से ही नॉर्मली रिलेट करती है। तो होता क्या है कि जब वो लिमिट एक्सीड कर जाती तो हमारे आ, प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन हम करने लगते हैं तो सडनली रॉन्ग रिजल्ट्स, इनकरेक्ट रिजल्ट्स आने लगते हैं एंड देन वी आर सरप्राइज्ड व्हाट एग्जैक्टली अगर आप इन टीचर जैसे मैं आपको बता रहा था फैक्टोरियल आप फैक्टोरियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सी में एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रॉब्लम में आप आ, कोशिश कीजिएगा कि फैक्टोरियल ऑफ थर्टीन और इंटीजियर रखिएगा डेटा टाइप इंटीजर रखेगा सबका और फैक्टोरियल थर्टीन के ऊपर जैसे ही आप फैक्टोरियल फोर्टीन निकालने की कोशिश करेंगे आपके वैल्यूज नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे फैक्टोरियल की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती अगर आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ किया तो डिफरेंट होगा फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है ये भी हम एक नेक्स्ट सेशन में शायद डिस्कस करें बट अभी हम फिक्स पॉइंट तो कहीं ना कहीं इंटीजर की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर निकल जाए और तब आपके रिजल्ट्स होने चाहिए, और इन चीजों का ध्यान कंप्यूटर में बहुत रखना पड़ता है right? राइट कि कंप्यूटर में हर चीज की लिमिट है इवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की भी लिमिट है यह नहीं है कि आप इनफाइनाइटली लॉन्ग नंबर्स को स्टोर कर तो कहीं ना कहीं ये समझ बहुत जरूरी है और ये हमारे को इसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स से ही मिलने वाली है तो लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी अरिथमेटिक अरिथमेटिक। यूजिंग पॉइंट वेल तो अब हम बात कर रहे हैं फिक्स पॉइंट नंबर्स के लिए ठीक है तो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन ओके तो टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तो आ, कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में राइट तो वो बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और कोई तरीका है नहीं तो बाइनरी में करेंगे एक उसमें सिंपल सी चीज है अगर मान लीजिए प्लस ट्वेंटी है तो प्लस ट्वेंटी में प्लस अब प्लस है साइन तो साइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहले तो है ना तो कहीं ना कहीं साइन का रिप्रेजेंटेशन साइन का रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है प्लस जीरो प्लस को हम कह सकते हैं जीरो और नेगेटिव के कह सकते हैं माइनस राइट तो कहीं ना कहीं साइन के लिए रिप्रेजेंटेशन आ गया सबसे पहला उसके बाद उस ट्वेंटी को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे ठीक है तो वो बाइनरी में उसका मैग्नेट्यूड हम लोग स्टोर कर देंगे और स्टोर कर लेंगे बड़े आराम से लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है बड़े हमारे लिए बहुत नेचुरल है कंप्यूटर के लिए भी बहुत नेचुरल है पॉजिटिव नंबर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जब कंप्यूटर का सर्कटरी डिजाइन होता है तो प्रॉब्लम आती है कि अगर प्लस जीरो वैल्यू वैल्यू है है या माइनस जीरो दोनों के लिए सेम रिप्रेजेंटेशन तो एक ही चीज के लिए दो रिप्रेजेंटेशन क्या कहीं माइनस जीरो आ गया आप जीरो से इक्वेट कर रहे हैं चीजों को और वो माइनस जीरो आ गया माइनस जीरो इज आल्सो जीरो राइट लेकिन कंप्यूटर के लिए दो हो गया प्लस जीरो इज डिफरेंट एंड माइनस जीरो बिकम्स डिफरेंट तो कहीं ना कहीं इस साइन मैग्नेट्यूड रिप्रेजेंटेशन की ये प्रॉब्लम आ सकती थी तो इसके लिए उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म फॉर्म किया form क्या किया क्या ये एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में जिसमें हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं टेंस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं और उसको यहां पे हम कंप्यूटर में वनस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं क्योंकि यहां बेस ऑफ नंबर हमारे डेसिमल नंबर में नंबर बेस क्या है नाइन एंड टेन राइट right. यहां पे हमारा बेस क्या है यहां पे हमारा जो है टू कॉम्प्लीमेंट ठीक है तो इस तरीके से वो नंबर रिप्रेजेंटेशन यूज होता है अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट जैसे और ये हम क्यों यूज करते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है ओके okay. अब यहां पे दो बातें मैं आपको स्लाइड के थ्रू बताना चाहूंगा पॉजिटिव इंटीजियर है बात कर दी नेगेटिव हैज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन नोटेशन अच्छा अब टूज कॉम्प्लीमेंट में करने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं वॉट इज अ कॉम्प्लीमेंट तो इंग्लिश मीनिंग देखते हैं उसका बैलेंस टू मेक अ ग्रुप कंप्लीट बहुत ही सिंपल है कि बैलेंस फॉर्म में स्टोर किया नंबर जैसे अगर हम कहें कि ग्लास ठीक है अगर ग्लास या तो आधा खाली है या आधा भरा हुआ है तो दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है ना तो यहां पे वो कॉम्प्लीमेंट उसके कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए उस वैल्यू को रिप्रेजेंट ठीक है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ अगर बाइनरी में हम बात कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है यहां पे भी पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कहेंगे फिर टूस पे आ जाएंगे वंस तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ अगर जीरो वैल्यू है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगी वन और वन वैल्यू है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगी जीरो क्योंकि इन दोनों का जो एक दूसरे को वो ये कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों मिला के वन बन जाते हैं ठीक है जीरो वन जीरो वन तो कहीं ना कहीं यहां पे मैं आपको अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेके आ रहा हूं जहां पे हम यूज कर रहे हैं एट बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स अच्छा बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स की जहां हम बात कर रहे हैं ओके, okay, यहां बिट बिट बिट, रिप्रेजेंटेशन में पहला कौन सा होगा? Bit, right? तो तो होगा होगा, साइन राइट? तो तो ये या या जीरो वन और ये जो है आएंगे तो प्लेस वैल्यू जैसे ये भी है टेन टू डिपा जीरो पे होगी टू टू डी जीरो 6 i think 6 up to 6 7 ke because 7th is the uh, this is the sign bit so we don't need it so now if you see 2 to the power 6 is 64 so what is the highest number which we can represent in this case Yaha pe agar zero hai toh plus manke chal plus and all once agar inka sabka sums karne, toh this will be 127 okay so this is what is the टोटल मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिसर फॉर्मैटर राइट तो ये एक बेसिक हो सकता है. Okay, अब मान लीजिए हमें नंबर को डेमल नंबर को कन्वर्ट करना है प्लस थर्टी सेवन को कन्वर्ट करना है अपने इक्वलेंट बाइनरी नंबर एक बहुत सिंपल प्रोसेस आपके ब्लॉक में मेंशन है डिवीजन करिए और जो भी रिमाइंडर uh, आए उससे आप वैल्यू को स्टोर करते रहिए लेकिन यहां पे ओवर हियर वी वी हैव हैव डिजाइन जस्ट टेलिंग यू अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोसीजर दिस इज आल्सो मेंशन इन योर ब्लॉक एंड दिस इज सपोज वी हैव प्लस ओके सॉरी मस्किटो ओके सो द्लस थर्टी सेवन इट गोस लाइक किसके बीच में है ना प्लस थर्टी सेवन बिटवीन थर्टी टू एंड सिक्सटी फोर राइट सो दर्टी टू वेन री पुट वन ओके सो वॉट इज द रिमेन्डर टू बी रिप्रेजेंटेड ओनली फाइव थर्टी टू तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया <laughs> और रिमेंडर इज फाइव तो फाइव अब हम कहा हो सकता है फोर बिटवीन फोर एंड एट तो फोर पे हमने वन स्टोर कर दिया तो कितना हो गया थर्टी टू टू प्लस फोर थर्टी सिक्स वॉट इज द रिमेंडर वन तो वन इज सो वॉट वी गेट दिस इज

अब नेगेटिव नंबर अगर होता यहां पे हमारा सिर्फ माइनस थर्टी सेवन होता तो उस हिसाब से वन एंड यहां जाता लेकिन हम किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस कॉम्प्लीमेंट uh, में तो कॉम्प्लीमेंट का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इवन सारे के सारे बिट्स को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इंक्लूडिंग द साइन बिट क्योंकि नेगेटिव नंबर चाहिए राइट right? So 1 ka 0, 0 ka 1, you can see that change is there. Okay. Everywhere that number has changed. So this becomes the ones complement of 37, which is minus 37. Or minus 37 ka 2's complement 0. Mein ek aur add kar diji. Right. The moment you add 1 to it, that becomes the 2's complement. So 0 plus 1 becomes 1.

अब इस केस में क्या हुआ कि हंड्रेड के वंस अगेन वी वी डू डू इट इट बिकॉज़ क्विकली ना दिस टाइम वी सी यहां पे हंड्रेड है तो हंड्रेड इज गया रिमाइंडर इज थर्टी सिक्स थर्टी टू पे वन आ गया रिमाइंडर इज सिक्स फोर पे वन आ गया रिमाइंडर इज टू एंड आई थिंक रिमाइंडर वॉज फोर ऑनली बिकॉज थर्टी टू हमने सब किया था सिक्सटी so फोर रिमाइंडर इज थर्टी सिक्स

so there is another carry so zero this carry is here so 0 plus 1 1 so what you get is 100 zero, zero, and this so what you you really see that first all the trailing all these trailing zeros are left it is in twos complement this is a direct method now all remaining all training zeros are left it is as it is and then first one is left as it is and after that you take complement of each that is how you get two's complement. And two's complement is very useful for binary arithmetic. Okay. Up dicta case is useful. So this is the method. This slide shows the method, and I have already explained you the method, so you can always go through this particular method. Let's see with the help of how this particular information will be useful in addition. So there are four cases which we are going to show you and the addition is 0 plus one, 0 is 0 0 plus 1 is 1 1 plus 1 is 0 with a carry one please remember this okay so uh, this is the way it is and if by the cha by by any chance there is 1 plus 1 with a carry then the addition addend bit will be 1 and carry one beyond that there is no other possibility right so these are the i mean with one carry right so this is how uh, the whole thing works out so let's say addition of two positive number this is plus 68 and plus 38 and the addend should be 106 and you can simply add the two and you will get the result both are positive numbers so obviously they are in the sign magnitude ones complement twos complement all are the same no difference so it's okay what about the when you are using two's complement notation and uh, there is addition of one positive and one negative number and the positive number is greater so, when the positive number is greater, this is what the positive number is. You can verify this number, and the 38 is the minor. So, 38 minus 38, you will first complement and get this minus 38. You, you, you can easily do that. You uh, you try this, and you will get this information only. And start adding. Till this point, 0, 0, there is no problem. When you add the last one with this one, what will you get? 1 plus 1. Addend is the bit added bit is zero and carry bit is one. That is added over here once again zero plus one plus one. So that becomes zero and there is a carry out which is shown in red. I think you have the slide so you can re refer to. So this one bit is then. So what is there? The carry into the sign bit that was one and carry out of the sign bit that is also one. So whenever carry into the sign bit equals to carry out of the sign bit, there is no problem. No overflow, nothing, right? Your limit has not exceeded. So, this particular number you can check is plus 30, which is the correct sum. What about when one number is uh, negative and uh, the bigger number is negative and another is uh, the smaller number is positive? In that case, you will literally get without any problem, you will simply get no carry out, no carry in, you will get the sum as it is. So, you can try this particular thing out uh, and you can always ask questions. Uh, at your, uh, you you have been uh, given a lot of email IDs in your program guide, right? One of the email ID is your of your program coordinator. So, you find any problem about any of the academic problems, you can refer to your program coordinator's email ID, and then it will be suitably forwarded to the person who will answer that question. So, you can always ask question, right? Okay, then. Addition of two negative numbers. Similarly, two negative numbers. Now, in this particular case also, what you will get, look into all other bit addition is fine. But when we do bit addition in the sign bit, so what we, there will be, when we, when uh, you will find there will be somewhere, there will be a carry into the sign bit in this particular case. Somewhere the, you, you, that particular process gets started here. One plus one is zero. There is a carry. So one plus one is. Uh, plus carry one, so this becomes one, and there is a carry one. One plus one becomes zero, carry one. So once again, this is one, so one plus one becomes zero, carry one. So there is a carry into the sign bit. Carry one into the sign bit. One plus one plus one, out, the addend bit is one, and carry out is one. So there is a carry into the sign bit. There is a carry out of the sign bit. Right? Once again, in the case when the negative one the number was smaller. And when two, both the negative numbers are there, they will be carried into the sign bit and they will be carried out of the sign bit. In both the cases, there is no overflow condition. Overflow condition is when your number exceeds the limit and the limit, which in this particular case was plus 127, and on the negative side, minus 127 or minus 128. That we will see. Okay. But that is the limit. Now, this is the condition of overflow. What you can see so now when we see plus 68 and plus 60 so when we add them whatever what are the results we are getting because of this there is carry into the sign bit but there is no carry out of the sign bit so what the number you have got one all zeros now what is that if i take two's complement of this number this is plus 127 minus 127 which cannot be the result in any case your result is wrong because the sign bit is one and adding two positive number cannot give you negative number and this is what is the condition of overflow and this is what ha happens in your factorial it may happen in your factorial problem you might encounter this particular thing and you got to explain your your program's behavior at that point of time on the other hand if we are doing the same thing for the minus numbers minus 68 and minus 60 okay when we add we get this one followed by all zeros Fortunately, in this particular case, there is no sign bit. I mean, no. There will be uh, uh, there will be carry into the uh, sign bit and carry out of the sign bit. You can check this once again. And what you will get is minus one twenty eight. In fact, one followed by all zeros is a two's complement notation for minus one twenty eight. How you can get it? You can not get it because there is no. Plus 128, you can represent, so you cannot get through that. Rather, you take plus 127, takes one complement of it, two's complement of it. Sorry, take two's complement of it. You will get this value: one, zero, and in the last one, and you subtract one from it, you will get minus 128. It is one followed by all zeros. So, my in two's complement notation, you get to represent one more extra so now there is only one representation for zero and that is just zero, the zero the and the sign bit is also zero okay so this particular one zero zero actually becomes negative 128 okay so this is not negative zero this is minus 128 so in science two's big complement notation it's very natural for compu computer this particular thing comes very naturally and uh, computer is able to do all the things so most of the time in exams you will be getting situations where the addend is more than plus one i mean addend is 128 plus overflow but the sum if it is minus 128 no overflow. you have to be careful right check your progress so you have done a lot of uh, study so far we have done we have been doing this particular session for almost 50 minutes right so you uh, have uh, this uh, discussion on the basis of this discussion try to answer these questions discuss with you with each other they are very easy problems plus answer your assignment problem i don't think you will be able to do because assignment problems uh, consist of more uh, information you got to study the block one completely then you will be able to answer most of the things but uh, you can try after studying you can Answering the things. Finally, about your queries, you can always query, make a query. The information is given in your program guide. Download it. Okay, download your program guide immediately. There are a lot of email IDs on which you can send your query, and uh, all regional centers now have created a, a special email ID on which you can submit your assignments okay so uh, you should take the help of uh, that particular uh, uh, link also while uh, submit your assignments but start working on computer organization and its fundamentals uh, let me assure you you will enjoy this this is a very logical course but then you have to practice and once you practice your logical abilities also gets refined your knowledge of other things all, uh, in related to computer will also enhance and you will feel that yes you are becoming better better and better and you will feel proud of yourself and that's what we want we want you to be proud computer scientists who work in the industry and give i mean make us proud also of that thank you so much for the today thank hmm? you